बिल्कुल, अगर प्रोडक्ट खुद से बनाना चाहते हैं तो भी उसका मशीन है, अगर प्रोडक्ट आप रेडीमेड मार्केट से ले लीजिए और सिर्फ पैकिंग कीजिए उसका भी ऑप्शन है अपने पास। बिल्कुल, जैसे देख रहे हैं ना, अच्छा। इस तरह का आपको हमें एयर का तभी वारंटी रहती है, एयर टाइट रहता है इसमें। अच्छा। आपको मटेरियल जैसे पैक करेंगे ना तो इसमें नाइट्रोजन के साथ जाएगी, तो इससे क्या है ना मटेरियल आपका 3 महीने तक खराब नहीं होती है। अच्छा, मार्केट में तो इसलिए हम लोग मशीन देते हैं। देख रहे ना सर, ये जैसे आप देख सकते हैं तरह तरह का पाउच है यहाँ सर, इसी मशीन से निकाला गया। बिल्कुल सर, इसका प्रोडक्शन पूरा इसी का है, देख रहे हैं सर ये। अरे वाह, देख रहे हैं सर, बहुत अच्छा सर। सर नमस्कार। नमस्कार सर। सर मेरे साथियों को एक छोटा सा परिचय दीजिए, फिर हम बिजनेस की बात करेंगे सर। जी सर, सबसे पहले मैं तो जितने भी व्यूअर हैं उनको नमस्कार करता हूँ, और जो आपने दीपावली आने वाली है उसकी ढेर सारी शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। अरे वाह। और उसके साथ साथ जितने भी हमारे बिहार के लोग हैं, नेपाल के लोग हैं, उन सबको जो भी ये वीडियो देख रहे हैं जी, उनको अपना छठ पर्व का भी शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। चलिए सर, बहुत। मेरा नाम मिथिलेश कुमार जायसवाल है सर। अपना कंपनी हम लोग मैन्युफैक्चरर है सर, नेशनल पैकेजिंग सॉल्यूशन, जो कि अपना यहाँ W6 Sector 11 नोएडा में है। तो सर ये आपकी जो फैक्ट्री है कितनी पुरानी फैक्ट्री है सर? सर अपना ये लगभग 5 साल होने को है, 5-6 साल होने को है। तो कितने प्रकार की मशीनें सर बनाते हैं आप? जो हमारा है ना फूड प्रोसेसिंग लाइन में है सब कुछ। अच्छा, जैसे कि फूड प्रोसेसिंग लाइन में जैसे आप जितने भी देते हैं, जैसे पैकिंग मशीन तो सारे सोल्यूशन है अपने पास। बिल्कुल, चाहे आप मैनुअल लेना चाहे हो या ऑटोमेटिक लीजिए, सेमी ऑटोमेटिक लीजिए, कहने मतलब मैनुअल में आप 2,000 से 20,000 तक की मशीनें हम बना के दे सकते हैं कस्टमर को। अच्छा, और ऑटोमेटिक में मिनिमम 80,000 से हमारा स्टार्टिंग होती है, जो फुली ऑटोमेटिक होती है। 80,000 से फिर 1.5 लाख की भी है, 2 लाख की भी है, 3.5 लाख, 4 लाख, 5 लाख, 6 लाख, 10 लाख, जैसे जैसा कैपेसिटी हो, जैसा रिक्वायरमेंट हो, उस अनुसार हम लोग मशीन बना के देते हैं सर। सर आज जो मेरे साथियों को आप मशीन दिखाने वाले हैं, जो मशीन बनाते हैं, पहले उसका डिटेल बताइए कि कौन कौन सी मशीन बनाते हैं आप? सर बिल्कुल, जैसे कि हम आपको पहले ही बताया, अभी बताया, जैसे कि पैकिंग मशीन तो अपने पास सारे रेंज के हैं सर। अच्छा, मैनुअल, सेमी ऑटोमेटिक हो, ऑटोमेटिक हो, फुली ऑटोमेटिक है ना, कहने मतलब जैसा आपका बजट है उस अनुसार तो पैकिंग मशीन सारे हैं। अच्छा। पैकिंग मशीन के अलावा जो आप मार्केट में जैसे रेडीमेड प्रोडक्ट देखते हैं, जैसे कुरकुरे हुआ, रिंग हुआ, पॉप हुआ, चीजबल हुआ, चाय पत्ती देखते हैं, मसाले का पैकेट देखते हैं, तो अपने पास ना मसाले पीसने से लेके अच्छा उसके पैकिंग का पूरा सोल्यूशन है। अच्छा जी। वैसे चाय पत्ती का पैकिंग का पूरा सोल्यूशन है, चाय पत्ती को मिक्स करना हो, जैसे कि उस चाय पर 2-4 तरह की चाय पत्ती होती है, उसको मिक्स करके फिर हम लोग पैकिंग करते हैं, तो उसका सारा सोल्यूशन है अपने पास। वैसे ही एक पफ का लाइन है, तो पफ का पूरे अपने पास सेटअप है। अच्छा, मतलब यू टाइप मिक्सर से लेके पैकेजिंग तक, पैकेजिंग सर, उसमें जो जो प्रोसेसिंग होती है ना सारे मशीन अपने पास उपलब्ध है। वैसे ही आपको अगर पास्ता हुआ, जैसे आप देखते हैं ना मैक्रोनी होती हो गया, चाउमीन हो गया, या सोया बड़ी का प्लांट लगाना चाहते हो कोई भाई, तो सारे अपने पास सब कुछ है। जी सर बिल्कुल, बहुत बढ़िया। सर मान लीजिए आपसे कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, मशीन लेना चाहते हैं, कितने रुपए से लोग अपना बिजनेस शुरू कर सकते हैं? सर होता क्या है कि आपका कितना बजट है। अच्छा। और आप मार्केट में क्या लाना चाह रहे हैं उस अनुसार मिनिमम लोग कितने सर, पैसे जैसे मैं अभी बताया हूँ कि अगर मैनुअल में जाएंगे तो 2000 की भी पैकिंग मशीन आती है, मैनुअल जो हाथ से करने वाली होती है, 20,000 की भी आती है। बिल्कुल सर, लेकिन अगर ऑटोमेटिक में जाएंगे तो कम से कम 80,000 से स्टार्टिंग है, जो कि फुली ऑटोमेटिक, आपको मटेरियल डालनी है, आपको पाउच बना के वो दे देगा सर। तो सर एक दो मशीन मेरे साथियों को दिखाइए जरा। बिल्कुल सर, आइए, मैं सारे दर्शकों को और आपको मैं अपना जो एक मशीन है जी, जी, इसके बारे में आपको पूरा जानकारी दूंगा और इससे क्या क्या प्रोडक्ट निकलती है पूरा बताऊंगा सर। अच्छा, जैसे कि ये अपना कॉलर टाइप मशीन होती है सर। अच्छा जी, ये ना PLC बेस्ड मशीन होती है जी, जी, जैसे ये देख रहे हैं ना यहाँ पे हम, ये पूरी ऑटोमेटिक मशीन होती है सर, इसमें प्रोग्राम होती है। अच्छा, जैसे आप देख सकते हैं नेशनल पैकेजिंग सॉल्यूशन अपना है ना, सब डिटेल है यहाँ पे ना, आप पूरा सेटिंग होती है, जैसे सेटिंग में जाएंगे तो आपको बहुत सारे ऑप्शन दिखेंगे। अच्छा, ठीक है सर, बिल्कुल, ये पूरा फुली ऑटोमेटिक मशीन है ये। अरे वाह। और इसमें ना बहुत सारे इक्विपमेंट्स होते हैं जिसके बारे में आपको थोड़ा दिखा दूं, जैसे इसमें बहुत सारे ड्राइव वगैरह यूज होते हैं। अच्छा, इसका पैनल जैसे देख लीजिए आप, यहाँ से देख सकते हैं। अरे वाह, किस तरह से डेल्टा का ड्राइव लगी हुई है ना, हमारा कितना देख, अब नीट एंड क्लीन आपको दिख रहा होगा मशीन। बिल्कुल सर, बिल्कुल, पूरा SS मॉडल है ये मशीन सर, ये ना फुली SS मॉडल है। इसमें आप कुछ भी आइटम, नमकीन हो, दाल बोट हो है ना, या पॉप हो, सोयाबीन हो, कहने मतलब कोई भी आइटम हो आप इसमें पैक कर सकते हैं, पैक कर सकते हैं। इसका मैं कुछ, इसके जो अभी देख रहे हैं ना सर, इसके साथ हम पाउच कन्वेयर भी देते हैं। अच्छा, आप देख रहे हैं इससे क्या होता है, जैसे प्रोडक्ट निकलेगी ना तो ये पाउच कन्वेयर से होते हुए माल बाहर निकल जाएगा ऑटोमेटिक। जैसे जैसे इसमें हम सेटिंग कर सकते हैं। अच्छा, हमें 5 पीस पे पाउच निकालना है, या सिंगल सिंगल पाउच निकालने हैं, या 10 पीस के लड़ी बनाने हैं। अच्छा, या 12 पीस करने, कहने मतलब आपके हाथ में 1 से लेके 12 या जितना भी आप करना चाहते हैं उतना पे कटिंग करेगा आपको। सर इसकी क्या गारंटी वारंटी होती होगी सर? इसकी जितना भी अपना इक्विपमेंट्स है ना,
ये पूरा एक साल वारंटी देते हैं हम लोग, एक साल की वारंटी। बिल्कुल सर। मोटर वोटर की एक साल की? मोटर वोटर हर चीज के, सिर्फ एलिमेंट होते हैं जो इसमें जो हीटर होती है ना उसकी वारंटी नहीं होती है, क्योंकि हीटर तो नॉर्मल आइटम है, वो सस्ती होती है। अच्छा जी। ओ, बाकी जितना भी अपने मैकेनिकल और जितना भी पुली है ना, एक साल की पूरी वारंटी देते हैं हम। अच्छा। सर एक बात और मैं जानना चाहूँगा, मान लीजिए ये कोई मशीन लगा लेता है, ठीक है, उसका क्या प्रोडक्शन वोडक्शन होगा, एक घंटे का, एक दिन का, एक मिनट का, क्या है सर? बिल्कुल, ये ना हाई स्पीड मशीन हम लोग बनाए हैं, इसमें आपको ना एक मिनट में अप टू 60 पाउच होती है। एक मिनट का प्रोडक्शन अप टू 60 है। अच्छा जी। कहने मतलब आप एक घंटे में मान के चलिए 3500 से 4000 पाउच आप निकाल सकते हैं सर, पैकिंग करके। जी सर। अच्छा जी। जैसे इसमें हम इस सब निकला हुआ पाउच आपको दिखाना चाहते हैं सर, कुछ जैसे देख रहे हैं ना। अच्छा। इस तरह का आपको हमें एयर का तभी वारंटी रहती है, एयर टाइट रहता है इसमें। अच्छा। आपको मटेरियल जैसे पैक करेंगे ना तो इसमें नाइट्रोजन के साथ जाएगी, तो इससे क्या है ना मटेरियल आपका 3 महीने तक खराब नहीं होती है मार्केट में, तो इसलिए हम लोग मशीन देते हैं। देख रहे ना सर, ये जैसे आप देख सकते हैं तरह तरह का पाउच है यहाँ सर, इसी मशीन से निकाला गया। बिल्कुल सर, इसका प्रोडक्शन पूरा इसी का है, देख रहे हैं सर ये। अरे वाह, देख रहे सर, बहुत अच्छा सर, ये पूरे है, ये कॉलर टाइप पैकिंग मशीन है सर ये। मतलब ये सर मान लिया जाए ये कोई लगा लेता है तो इसकी क्या कीमत उमत होने वाली है सर? कोई सर इसकी कीमत, ये 4 लाख की मशीन है सर। ये 4 लाख की मशीन, पूरा SS मॉडल में है। अच्छा। डेल्टा का सब ड्राइव वगैरह यूज हुआ है ना, इसमें हम लोग जेनुअन सामान यूज करते हैं, न्यूमेटिक पार्ट्स वगैरह भी जेनुअन होती है, फेस्टो का यूज करते हैं, इससे क्या है कि स्पीड अच्छी होती है। अच्छा, एक बात और बताइए सर, मान लीजिए इसे कोई पैकिंग करना चाहता है, कितने ग्राम से कितने ग्राम तक पैक कर सकता है? सर ये डिपेंड करता है आपका क्या मटेरियल है। अच्छा। आप कितना, जैसे कि अगर सपोज आपको चावल करनी है तो चावल आप 1 किलो आधा किलो भी कर सकते हैं। अच्छा। लेकिन कुरकुरे है तो 10 ग्राम से लेकर 18 ग्राम, मैक्सिमम 20 ग्राम लोग करते हैं। तो इसमें होता है क्या है ना, एक्चुअली बेसिस क्या होता है, इसमें कप होती है, तो ये कप का साइज छोटा बड़ा हम लोग कर सकते हैं। अच्छा। ये जो कप होती है ना सर, कप फिलर मशीन इसको बोलते हैं, तो ये कप से माल जाती है, तो इसको ना हम साइज छोटा बड़ा कर सकते हैं। अच्छा। तो आधा किलो भी कर सकते हैं, है ना। जो आइटम है ना आपका उस पर डिपेंड कर, चाय पत्ती है 100 ग्राम, 200 ग्राम, 250 ग्राम, आधा किलो तक का कर सकते हैं। और पैकिंग सर कुछ भी हो सकता है, जो भी प्रोडक्ट है पाउच पैकिंग की वो किया जा सकता है। बिल्कुल सर, दानेदार आइटम कुछ भी हो सकता है, कुछ भी किया जा सकता है। बिल्कुल सर, पाउडर के लिए अलग मशीन बनती है। अब इसके बाद कौन सी मशीन सर आपके पास, इसके अलावा कौन सी? इसके अलावा सर अपने पास ढेर सारी मशीनें हैं, आइए हम दर्शकों को दिखाते हैं। ये है अपना, ये सीकर वुड का वगैरह होती है ना सर, इनो का पाउच हुआ, ये स्पेशली इनो के लिए बना हुआ है। अच्छा। इस मशीन को FFS टाइप बोलते हैं हम। अच्छा। इसमें आप गुटका, पान मसाला है ना, इनो है ना, छोटा काम करने के लिए मशीन है, सैनिटाइजर जैसा पाउच होता है ना छोटा छोटा, शैम्पू का पाउच, कुछ भी इस मशीन से कर सकते हैं सर। अच्छा। ये तो FFS हो गई सर, इसके अलावा ये हाफ न्यूमेटिक मशीन होती है। अच्छा। ये न्यूमेटिक बोलते हैं इसको, इसमें कंप्रेसर की जरूरी होती है, इससे ना मसाले जैसे 50 ग्राम हुआ, 100 ग्राम हुआ, 200 ग्राम हुआ, पिसा हुआ मसाला आप कर सकते हैं इजीली सर। पिसा हुआ मसाला? जी सर। अच्छा। ये 50, 100, 200 ग्राम के लिए बनी हुई है मशीन सर। अच्छा जी। इसके बाद कौन सी मशीन है सर? इसके अलावा सर अपने पास ये है, फुल न्यूमेटिक मशीन है ये। अच्छा। इसमें भी जैसे कॉलर टाइप जो अभी आप देखे ना 4 लाख की मशीन, वो भी काम ये भी करेगा। अच्छा। लेकिन इसका प्रोडक्शन कम होती है सर। अच्छा, इसमें एक मिनट में 20 से 22 पाउच आपकी होगी। अच्छा। ये बाकी सब कुछ सेम होता है उसमें, फुल उसमें ना जैसे हमारा ड्राइव वगैरह होता है, लेकिन इसमें हमारा मैनुअल पैनल होती है। अच्छा। पैनल से ही होती है मशीन, तो इसको हम लोग ये कम, जिसके पास कम बजट हो, काम नया नया स्टार्ट करना चाहते, स्टार्टअप के लिए यही मशीन होती है पहले हम लोग। इसकी क्या कीमत है सर? ये सर 2 लाख की मशीन आई है। 2 लाख की मशीन? जी सर। इसकी गारंटी वारंटी? बिल्कुल सर, गारंटी वारंटी हर मशीन की हमारे यहाँ पे है, जेनुअन काम है, सर्विस है, आफ्टर सेल सर्विस हमारा आपको मिलेगा फुल सेटअप के साथ। मान लीजिए सर कोई ऑर्डर देता है तो कितने दिन में उसको मशीन आप तैयार डिलीवरी करा देते हैं? सर ऑर्डर देने पे आपका क्या क्या मशीन है। अच्छा। मैं मान के चलिए ना वर्किंग डेज ना 10 से 15 दिन में हम लोग मशीन दे देते हैं सर, डिस्पैच कर देते हैं सर। और ऑल इंडिया? बिल सर, ऑल ओवर इंडिया, फॉरेन में भी जाती है, जैसे नेपाल हो गया हो। अच्छा। जैसे अपना फॉरेन में जिम्बाब्वे, वहाँ तक अपना मशीन चल रही है, बहुत जगह चल रही है सर। ये पीछे आपकी कौन सी मशीन दिख रही है सर? ये पीछे है, इसको जैसे कि जो स्टार्टअप बिजनेस करना चाह रहे हैं, स्टार्टिंग में कम बजट है उनका, तो इसमें ना इसको हमें कोडिंग पैन बोलते हैं सर। अच्छा। हांडा भी बोलते हैं लोग, है ना, इसमें मसाले मिलाने के लिए, जैसे कुरकुरे हुआ, पफ हुआ, जैसे हम लोग खाते हैं ना तो उसमें मसाले होते हैं। जी जी जी। तो नमक इसमें ना मिलाया जाता है? हाँ, नमक मिर्च कुछ भी, जो भी मसाले आपको मिलाने हैं उसके लिए यूज किया जाता है सर। ये मैनुअल है, सस्ता है, इसका रेट है ना, क्या रेट लोगों के? ये 60-65 हज़ार की मशीन होती है बस। मतलब कोई पॉप का काम करे, कुरकुरे का काम करे, तो ये आसानी से ले सकते? बिल्कुल सर, इसमें ना आप कोई भी आइटम में मसाले वसाले मिला के फिर पैकिंग करें। बिल्कुल सर, बड़ा अच्छा चीज दिखाया। सेमी ऑटोमेटिक में है सर, है ना। क्या दाम बताएं सर इसका? ये 60 हज़ार की है। 60 हज़ार? बिल्कुल सर। अच्छा।
तो सर कोई मशीन आपके पास ऐसा भी है जो चल रही हो, मुझे चला के दिखा सकते हैं क्या? बिल्कुल सर, आइए, मशीन तो सब रेडी है, मैं आपको एक कोला टाइप ही चला के दिखाता हूँ। अच्छा, अभी जैसे बंद है मशीन। जी जी, अब हमको उसको चलाना है ना, तो सब टाइमर होता है बहुत सारे, जो ऑपरेटर जाएगा वो पूरा ट्रेनिंग देगा। अच्छा, क्योंकि ये मशीन चलाने के लिए ऑपरेटर चाहिए होगी। ठीक है सर, अब यहाँ पे ना स्टार्ट बटन होती है, इसको हम दबाएंगे तो देखिएगा आप मशीन में ऑटोमेटिक चलना स्टार्ट हो जाएगा सर। जैसे मैं दबाए है ना सर, जैसे देखिए डिस्क चला है ना, अब यहाँ से ना देखिए सर, इस तरह से ना पाउच कन्वेयर पे ना अभी इसमें मटेरियल डाले नहीं, बस ऐसे ट्रायल हुआ है। हाँ, मटेरियल डालेंगे ना तो पाउच देख रहे सर, इस तरह से ना कन्वेयर क्लियर आएगा, बिल्कुल आएगा सर, देखना चाहते हो बेहतर। और इसको बंद करने के लिए यहाँ पे है, इसको दबाएंगे मशीन बंद हो जाएगी, ये बंद हो जाएगा। तो सर एक बात और बताइए, मान लीजिए इतनी बड़ी मशीन मैं देख पा रहा हूँ, तो इसको चलाने के लिए कितने लोगों की जरूरत पड़ेगी? सर इस मशीन को चलाने के लिए तो पहले एक बंदा चाहिए जो परफेक्ट होता है, जो आपको ट्रेनिंग देगा, जो ये मशीन चलाती है उसको सब कुछ जानकारी रहती है। ठीक है। अच्छा। सर वो जैसे आपका पाउच सेटिंग कैसे करना है, टाइमर कैसे करना है, कितना पे सेटिंग करना है, रोल कैसे चेंज करना है, सब बताएगा। इसके अलावा आपको ना एक लड़का होती है जो चाहिए, जैसे माल आपको कुरकुरे जैसे पैक कर रहे हैं सपोज। अच्छा। तो इसमें हॉपर हो, इसको हॉपर बोलते हैं, हॉपर में माल डालने के लिए एक आदमी इससे चढ़ जाती है। अच्छा। या तो हम लोग प्लेटफॉर्म बना देते हैं। अच्छा जी। ठीक है सर, उस पर चढ़ के इजिली एक आदमी माल देता है उसमें डाल देता है सर। अच्छा, तो दो आदमी से ना कहना, दो आदमी चला सकते हैं, दो आदमी इजिली, दो आदमी चाहिए, कम से कम मिनिमम दो आदमी तो चाहिए सर। तो मान लीजिए सर कोई मशीन ये और ले लिया मान लीजिए आपसे, ये तो उसको क्या ट्रेनिंग व्रेनिंग की क्या व्यवस्था है? सर बिल्कुल सर, जब ये मशीन लेंगे तो कुछ दिन तो आपको ऑपरेटर रखना ही पड़ेगा मंथली बेसिस पे। नहीं तो प्रोवाइड कहाँ मिलेगा ऑपरेटर? हम प्रोवाइड सब, हमारा लड़का रहेगा। अच्छा, हमारा पूरा लड़का है, बिल्कुल हम देंगे, शुरू में है ना। नहीं होता क्या कि लोग मशीन बेच देते हैं बाकी फिर उसके बाद भूल जाते हैं। सर यही तो हम लोग का खासियत है, आप पहले भी आप वीडियो बना चुके हैं और आप देखे होंगे कस्टमर कितने सेटिस्फाई हम लोगों से। बिल्कुल सर, बिल्कुल कस्टमर सेटिस्फेक्शन ये हमारा सबसे पहला एम है सर। बिल्कुल सर, आफ्टर सेल सर्विस पूरा रहेगी। इसके अलावा हम कुछ और मशीनें आपको दिखाना चाहते हैं जो कि आइए हम आपको दिखाते हैं। इसके अलावा जैसे हमारा पूरा एक ऑनलाइन प्लांट बन रही है जिसके बारे में आपको दिखाना चाहता हूँ सर। आइए, ये ना अपना पफ प्लांट होती है ना, जैसे चीज बॉल ओएस वगैरह देखते हैं मार्केट में ना। हाँ, हाँ, चीज बॉल हुआ, ओएस हुआ, रिंग हुआ, इसका ये सेटअप बन रही है सर। जैसे ये यू टाइप मिक्सर होती है, इसमें सबसे पहले जो अपना रॉ मटेरियल होते हैं ना, अच्छा जी, जैसे कि मक्का वगैरह होता है ना, मक्का ग्रीड वगैरह इसमें मिक्स होती है सर। अच्छा, इसके बाद ना ये आप स्टूडर देख रहे हैं। जी जी, इससे ना पॉप रिंग सब निकलती है। अच्छा जी, इसमें माल जाती है, इससे जब स्टूडर से माल निकला इसके बाद ना रोस्टर होता है, फैब्रिक ड्रम होता है। तो ये ना ऑनलाइन प्लांट बन रही है अपने पास। अरे वाह, इसके बाद इसमें मसाला मिल जाती है ना, इसके बाद अपना वो पैकिंग मशीन में जाती है। बहुत बड़ी मशीन, पैकिंग मशीन तो लास्ट होती है सर। जी जी, इससे पहले अपना मैनुअल तो यहाँ से स्टार्ट होती है, स्टार्टिंग तो यहाँ से होती है। अच्छा। पैकिंग मशीन मीन्स फाइनल प्रोडक्ट को पैक करना है, पैक करना। लेकिन अगर जो प्रोडक्ट बनाना भी चाहते हैं उसका भी अपने पास पूरा सेटअप है सर। जैसे कोई डालबोट का नमकीन का काम करना चाहते हैं उसका भी पूरा सेटअप है अपने पास। बिल्कुल सर, कोई भी डाउट हो तो आप एक बार पूछ सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। बिल्कुल सर, मशीन लेना या ना लेना अलग बात है, अलग बात। लेकिन कोई भी पहले सेटिस्फेक्शन या कुछ भी आपको 1% भी डाउट है तो आराम से कॉल कर सकते हैं आप एनी टाइम। 24 आवर हमारा कॉलिंग नंबर चालू रहती है सर। चलिए सर, कर सकते हैं। बहुत बढ़िया, आपने एक बिजनेस आइडिया बताएं कि आप मार्केट से भी खरीद के पाउच पैकिंग की अपना बिजनेस शुरू कर सकते हैं और अपना खुद बना भी सकते हैं। बिल्कुल सर, दोनों सेटअप उनके लिए अवेलेबल। बिल्कुल बिल्कुल, अगर प्रोडक्ट खुद से बनाना चाहते हैं तो भी उसका मशीन है, अगर प्रोडक्ट आप रेडीमेड मार्केट से ले लीजिए और सिर्फ पैकिंग कीजिए उसका भी ऑप्शन है अपने पास। बिल्कुल सर, सब बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू।